मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक के ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक के ही सही, गुमराह तो वो हैं, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। शुरुआत करेंगे आज की क्लास की इसी मोटिवेशनल लाइन से। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि पैरेलल लाइन का प्रैक्टिस हमने काफ़ी अच्छे से बनाया था और उसके एक कैरेक्टरिस्टिक को, यानी कि पैरेलल लाइन के एक कैरेक्टरिस्टिक को काफ़ी अच्छे से हमने उसको स्टडी किया था और उसके कंसेप्ट को समझा था कि जब एक लाइन सेगमेंट के ऊपर में पैरेलल अगर दो परपेंडिकुलर लाइन डाला जाए तो वो क्या होते हैं, जो परपेंडिकुलर हम लोग डाले रहते हैं वो क्या होता है, आपस में पैरेलल होते हैं, यही कंसेप्ट था। और क्रॉसफॉन्डिंग एंगल हमने देखा था। आज एक और पैरेलल लाइन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि विशेषता है, उसका जो गुण है पैरेलल लाइन का, उसको हम लोग एक बार फिर से दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आज हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने बोर्ड पे एक और कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो कि पैरेलल लाइन का है। तो क्या कहता है ये कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम लोग देखते हैं, राइट। तो कह रहा है कि टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, राइट। अगर दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो, दिए हुए किसी और अन्य लाइन के, दिए हुए किसी और भी जो दूसरा लाइन होगा, आर पैरेलल टू ईच अदर, वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे आपस में। जरा समझना इस चीज को कैसे, देखो जरा, अगर एक लाइन ये रहा, क्लियर है, ठीक, एक लाइन ये रहा, क्लियर है, और एक लाइन ये रहा, मैंने इस लाइन को नाम दे दिया L M N, क्लियर है, मैंने नाम दे दिया L M N, लाइन L, लाइन M, लाइन N, ऐसा नाम दे दिया, क्लियर है। अब कह रहा है कि अगर टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, अगर दो लाइन, ये दो लाइन अगर जो है ये पैरेलल है किसी दिए हुए लाइन के, ठीक है, क्लियर। तो ये लाइन, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर मैं ये कहता हूँ कि L पैरेलल है M के, क्लियर है, और ये जो पैरेलल है, यानी कि ये दोनों लाइन पैरेलल है किसके, N के, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है, यही ये इसमें बताने की कोशिश कर रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका ये क्या है, कंसेप्ट है। अब चलो इसी पे बेस्ड हम लोग को क्या करना है, इसी पे बेस्ड हम लोग को क्या करना है, तो हाँ सॉरी, यहाँ पे L पैरेलल M पैरेलल N, यानी कि ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। बातें समझ में आ गई, क्लियर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, अगर दो लाइन पैरेलल है दिए हुए लाइन के, क्लियर है, मान लो ये तीसरा लाइन एक और दिया हुआ है, क्लियर, आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये आपस में तीनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ऐसा कहा जा रहा है, क्लियर है। अब चलो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका एक्टिविटी थ्री है, राइट। तो एक्टिविटी थ्री को हम लोग काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करने वाले हैं, राइट। चलो तो एक्टिविटी थ्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे आपके एक्टिविटी थ्री को यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आए, जो अभी अभी मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक बताया है, राइट। तो ध्यान से देखना है, इसमें क्या है कि ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, L और M गिवन लाइन है, लेकिन ये N के पैरेलल है, ये दोनों लाइन, क्लियर है, यानी कि ये तीनों आपस में पैरेलल है, राइट। तो हुआ क्या, ये सब में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि L पैरेलल है, M पैरेलल है, N, क्लियर है, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। बातें समझ में आ गई, इतना समझ में आया। तो ये सभी, ये जो कंडीशन है, ये इस फिगर में भी अप्लाई है, और इस फिगर में भी अप्लाई है, और इस फिगर में भी अप्लाई है, क्लियर है। तो अब ध्यान से देखो, L, M और N, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, राइट। और एक चीज़ और है कि T जो है ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये देखो बिल्कुल कट कर रहा है, यहाँ भी देखो ये कट कर रहा है, ये तीनों पैरेलल लाइन को ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ T जो है ये क्या है, ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि जिसको आप त्रियक छेदी रेखा कहते हैं हिंदी में, क्लियर है। तो ये T जो है ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। अब ध्यान से देखो, एंगल बना हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे एंगल का नाम दिया हुआ है, जैसे इन L, M और N, ये तीनों पैरेलल लाइन को ये जैसे ही ये एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट कर रहा है, तो ये कुछ एंगल बन रहे हैं, क्लियर है, ठीक। तो ये जो एंगल इसमें दिखाया गया है, क्लियर, ये सब के सब क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल।
ठीक। तो अब ध्यान से देखना है, क्रॉसबॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट मैं समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में, राइट। लेकिन यहाँ पे और भी हमारा कंसेप्ट बूस्ट हो जाए, काफ़ी अच्छा हो जाए, इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओके चलो देखो जरा, एंगल वन। अब देखो कैसे क्रॉसबॉन्डिंग एंगल कैसे हम लोग जानते हैं कि कौन किसके इक्वल है। देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के अब इधर में देखना है आपको, उधर नहीं देखना है। ये 4, 5, 6 लिखा है ना, उधर साइड नहीं देखना है अपने को, किधर देखना है, इधर। क्लियर, एक कंडीशन हो गया। दूसरा क्या, अगर लाइन के ऊपर देखना है, ये जो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है जो एल एम और एन, एल एम एन जो पैरेलल लाइन है, क्लियर है, उसको हम लोगों को क्या करना है, उसको देखना है। अगर ऊपर ले रहे हैं तो ऊपर ऊपर देखना है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन के इधर देख रहे हैं तो इधर देखना है, सब में, इधर में, इधर में, इधर में। तो इधर में कौन बन रहा है, 1, 2, 3 बन रहा है, क्लियर है। अब ऊपर ऊपर ऊपर, क्लियर है, ऊपर ऊपर देखो जरा, तो क्या बन रहा है, 1, 2, 3 बन रहा है, क्लियर है। तो ये सब क्या है, क्रॉसबॉन्डिंग एंगल है। तो चलो देखो जरा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, क्लियर है। तो क्या लिखोगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ये क्यों हुआ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 क्यों हुआ, क्योंकि ये एल एम और एन ये तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है, इसलिए क्रॉसबॉन्डिंग एंगल भी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। बातें समझ में आ गई, क्लियर है। ओके अब उसी तरह से अब ट्रांसवर्सल लाइन के इधर में देखो, जैसे 4, 5, 6 जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है उसको देखो, 4, 5, 6 कहाँ, ऊपर ऊपर ऊपर, क्लियर है, लाइन के ऊपर, ये पैरेलल लाइन के ऊपर, पैरेलल लाइन के ऊपर, पैरेलल लाइन के ऊपर देखो, तो क्या 4, 5, 6 तो क्या होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 कुछ ऐसे होगा, क्लियर है। तो ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, क्लियर है। तो देखो जितना एंगल 1 होगा, मान लो एंगल 1 30 डिग्री, तो एंगल 2 भी 30 डिग्री, एंगल 3 भी 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये तीनों आपस में पैरेलल लाइन है। उसी तरह अब यहाँ पे इस पिक्चर में अब आपको बताना है, क्लियर है, ठीक। चलो इस पिक्चर में बताओ जरा कौन किसके पैरेलल है। अब ध्यान से देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये क्लियर है नीचे तक आया है, और ये जो एम एल और एन ये तीनों पैरेलल लाइन है आपस में, क्लियर है। तो पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब क्रॉसबॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, याद रखना, क्रॉसबॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो कैसे देखोगे, देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के किधर देखोगे, उधर, क्लियर है, अभी उधर देखोगे, और किधर, ये पैरेलल लाइन के ऊपर ऊपर ऊपर, तीनों में ऊपर ऊपर देखेंगे, क्लियर है, ट्रांसवर्सल लाइन के इधर और ऊपर ऊपर ऊपर, क्लियर है। तो कौन बन रहा है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्या लिखेंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये सभी के सभी क्या है, आपस में इक्वल है। कौन से एंगल से, क्रॉसबॉन्डिंग एंगल से, याद रखना क्रॉसबॉन्डिंग एंगल से ये इक्वल हो रहे हैं। आपके बुक में अगर कुछ ऐसे लिखा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इसका मतलब बिल्कुल सही लिखा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, हाँ बिल्कुल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, हाँ बिल्कुल हो सकता है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है, इसलिए, समझ में आ गया, क्लियर है। ओके अब चलो ये ट्रांसवर्सल लाइन के उधर की बातें होंगे, अब ट्रांसवर्सल लाइन के इधर की बातें कर लेते हैं, इधर में जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है, एंगल बनाया है, क्लियर है। तो देखो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, देखो ट्रांसवर्सल लाइन के इधर में देखो, और लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर, यानी कि एम लाइन के ऊपर देखना है लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन के इधर देखना है। तो ऊपर तो क्या बन रहा है, एंगल 6, यहाँ क्या मिल रहा है, एंगल 4, यहाँ क्या मिल रहा है, एंगल 5, यानी कि क्या लिख सकते हैं, एंगल 5, ये लिखो जरा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये क्या है, क्रॉसबॉन्डिंग एंगल है, क्लियर है। और क्रॉसबॉन्डिंग एंगल नीचे में भी बनता है, ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ 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 यहाँ, आपको अभी बताता हूँ, पहले ऊपर ऊपर का देख लेते हैं क्योंकि एक्टिविटी में आपका ऐसे ही दिया गया है, क्लियर है, लेकिन अभी और अच्छे से कंसेप्ट बताता हूँ। तो ये जो आपका आया, अगर कोई ऐसे बोलता है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, क्या एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि क्रॉसबॉन्डिंग एंगल से, क्यों, और इसलिए भी होगा क्योंकि ये सभी आपस में पैरेलल हैं, याद रहे पैरेलल होगा तभी क्रॉसबॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। यदि क्रॉसबॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है ना, ठीक है, अगर क्रॉसबॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है इसका मतलब वो सभी लाइन भी आपस में पैरेलल है, ये एक मतलब वाइस वर्सा बोल सकते हो, क्लियर है। अब चलो इस फिगर में बातें कर लेते हैं, अब देखो जरा एन एम और एल ये तीन लाइन है और तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है, क्लियर। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है ये इधर आए, इधर में देखते हैं तो क्या मिल रहा है, एंगल 3 एंगल 2 एंगल 1, क्लियर। तो देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल
एंगल वन, क्लियर है। ये जो ऐसे एल टाइप का मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये एंगल है, याद रखना एंगल, एंगल को ऐसे वैसे लिखते हैं, इंडिकेट करते हैं, क्लियर है। अब ट्रांसवर्सल लाइन के इधर में देखो और ऊपर 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 देखना है, ट्रांसवर्सल लाइन के इधर में तो 4 एंगल 5 एंगल 6, तो क्या लिखोगे, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4, कैसे, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4, ये सभी के सभी क्या हो गए, आपस में इक्वल है, क्लियर। तो ये मैं यहाँ से कुछ ऐसे घेर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ये पता चले कि इस पिक्चर का ये जवाब है, क्लियर है, ठीक। अब चलो, तो ये था आपका ट्रांसवर्सल लाइन का कंप्लीट कंसेप्ट। हालांकि अभी नीचे में भी एंगल बन रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, क्लियर है, ठीक। तो इसका कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ कि देखो नीचे का भी एंगल, अगर ट्रांसवर्सल लाइन के इधर देखो और नीचे का एंगल, नीचे का एंगल, नीचे का एंगल, चलो इस कंसेप्ट को भी हम लोग कंप्लीट कर ही लेते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो जरा, ये जो यहाँ पे मैं ऐसे कर दे रहा हूँ एंगल, ये एंगल, क्लियर है, ठीक है, है ना, 6 तक था तो ये हो गया 7, 8 और ये हो गया 9, क्लियर। अब चलो इधर में एंगल, अब देखो यहाँ भी एंगल बन रहा है, एंगल एंगल एंगल, ठीक है, तो 9 हो गया, इसको मैं नाम दे रहा हूँ 10, इसका नाम दे दिया मैंने 11 और इसका नाम मैं दे दिया 12, ठीक है। एक को ही बस समझ लो, बाकी अपने आप सब हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे ये सभी के सभी आपस में इक्वल थे, क्यों इक्वल थे, क्योंकि लाइन तीनों पैरेलल था, क्रॉसपोंडिंग एंगल में ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, तो ऊपर 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 को हम लोग देख रहे हैं इधर साइड में, इसलिए ये दोनों कंडीशन में ये हो गया। और कंडीशन क्या बनेगा अब देखना है जरा, एल एम एन तीनों पैरेलल हैं, तो देखो अब ट्रांसवर्सल लाइन के इधर में ही है, लेकिन अब क्या करना है, पैरेलल लाइन के नीचे में देखना है, ट्रांसवर्सल लाइन के इधर लेकिन नीचे में, तो देखो कौन है, 9 नीचे में कौन है, एंगल 9 एंगल 8 एंगल 7, क्लियर है। तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, तो अब यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल, यहाँ से एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू एंगल 9, ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक। अब चलो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे अब ट्रांसवर्सल लाइन के इधर में आ जाओ, क्लियर है, तो नीचे में ये पैरेलल लाइन जो दिख रहा है आपको, ये पैरेलल लाइन उसके नीचे में देखना है, ठीक है, तो कौन है, एंगल 10, अब इसके नीचे में एंगल 11, इसके नीचे में एंगल 12, क्लियर है। तो एंगल 10, एंगल 10 इक्वल टू एंगल 11 इक्वल टू एंगल 12, ये हो गया कंप्लीट आपका कंसेप्ट, क्लियर है, याद रखना आप लोग, क्लियर है। तो उसी तरह से इसमें भी, नीचे नीचे में भी, सब में बनेगा, ठीक है। तो एक को आपने जान लिया तो ऑटोमेटिक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करना ताकि आपका कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो। तो ये था आपका एक्टिविटी 3 पे का जो कंसेप्ट था, राइट, वो कंप्लीट, राइट। तो आई होप कि आपने काफ़ी अच्छे से जो एक्टिविटी मैंने परफॉर्म करवाया वो काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा, और कंसेप्ट यानी कि जो पैरेलल लाइन की जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक का जो पॉइंट नंबर 2 था वो काफ़ी अच्छे से आपने लर्न किया कि कैसे कोई पैरेलल, कोई लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो तीनों आपस में पैरेलल होंगे, इसका मतलब उसका क्रॉसपोंडिंग एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, राइट। तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्रैक्टिस 2 दिया हुआ है, यानी कि अभी अभी जो हमने पैरेलल लाइन की कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा है उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम दिए हुए हैं, और बहुत ज़रूरी भी है, है ना, केवल एक्सरसाइज बनाने मात्र से आपका कंसेप्ट नहीं, छोटा टॉपिक पढ़ना है फिर प्रैक्टिस दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है ये चीज़। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है प्रैक्टिस 2। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी, ये जो पिक्चर दिया हुआ है, इज अ ट्रेपीजियम, ये जो पिक्चर है ये एक ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी, तो आप देख लो इसका शेप, क्लियर है। वेयर ए बी पैरेलल डी सी, ये जो ए बी जो सेगमेंट है, क्लियर है, वो किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है। अब यहाँ पे लिखते चलते हैं हम लोग, क्या क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल डी सी दे रखा है, क्या, ए बी पैरेलल डी सी सेगमेंट, क्लियर है। और ई एफ, ये जो ई एफ जो है ये पैरेलल है किसके, ए बी के, ये जो ई एफ जो है, ये जो ई एफ जो है, देखो अभी ए बी पैरेलल दिया है डी सी के, क्लियर है, ए बी पैरेलल दिया है किसके, डी सी के, और इस पर कह रहा है कि ई एफ पैरेलल है ए बी के, क्लियर। चलो क्या दे रखा है, ई एफ पैरेलल है किसके, ए बी के, क्लियर है। तो एंड ई एंड एफ आर पॉइंट्स, और ई और जो एफ जो ये पॉइंट है, ई का पॉइंट और एफ का पॉइंट, ये जो पॉइंट है ऑन ए डी, तो ए से डी तक जो ये
लाइन है ना, ऐसा कुछ ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक पॉइंट है, किस पे जी, एडी पे, ई जो पॉइंट है किस पे पॉइंट है, एडी पे, क्लियर है, और एफ जो पॉइंट है वो किस पे है, बीसी पे है, क्लियर है, बीसी पे रेस्पेक्टिवली। अब कह रहा है कि इज क्या, क्या ईएफ पैरेलल डीसी, क्या ईएफ जो है ये पैरेलल होगा डीसी के, देखो ईएफ तो बोल रहा था एबी के पैरेलल है, यहाँ पे बोल रहा है, क्लियर है। अब यही पूछ रहा है कि क्या ये जो ईएफ पैरेलल है ये डीसी के पैरेलल है, हाँ बिल्कुल पैरेलल है, क्यों, क्योंकि क्योंकि जब एक लाइन, जब एक लाइन देखो एबी पैरेलल है डीसी के, ये जो एबी पैरेलल है डीसी के, क्लियर है, और ये पैरेलल है इसके, तो इसका मतलब है क्या हुआ कि ये जो ये पैरेलल होगा ये भी किसके पैरेलल होगा, डीसी के, क्योंकि ए बी जो पैरेलल है वो किसके है, डीसी के पैरेलल है, क्लियर है। तो अब कह रहा है कि इफ यस, अगर पैरेलल होगा, है ना, पहले तो जवाब यहाँ पे दे देते हैं हम लोग आंसर में, इज ई एफ पैरेलल डीसी, तो यहाँ पे लिखेंगे यस, ई एफ पैरेलल डीसी, ई एफ पैरेलल डीसी होगा, ठीक, ये जवाब दे दिया। If yes, अगर हाँ, अगर होगा तो then why, आखिर क्यों होगा, क्योंकि, क्योंकि अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अब आप ध्यान से देखो, ये जो ये DA जो है, ये जो DA है ये एक क्या कर रहा है, अब ध्यान से देखो, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि ये आपस में ये तीनों के तीनों पैरेलल हो जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है, क्या हो रहा है, AB पैरेलल DC पैरेलल EF, ये तो आपस में पैरेलल हो गए, क्यों, क्योंकि ये तीनों आपस में बता रहा है कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो क्या किया, ये क्या ये EF इसके पैरेलल होगा, ऐसा बोल रहा है, क्लियर है, ठीक। तो हमने जान, हमको पता चल गया, हम लोगों को क्या पता चल गया कि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। अब ध्यान से समझना, अब देखो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो एक ध्यान से देखो, ये इसको मैं आगे की तरफ ऐसे ऐसे एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट, इसको भी, ये जो लाइन है इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, क्लियर है, और इन तीनों लाइन को भी आगे की तरफ मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्लियर, ये देखो, क्लियर है, इसको भी मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो देखो अभी अभी जो एक्टिविटी थ्री में हमने पढ़ा था, क्लियर है, तो वहाँ से आपको एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसा जैसे कुछ दिख रहा होगा, क्लियर है, और ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ट्रांसवर्सल लाइन जब जब तीनों पैरेलल लाइन को कट करता है तो इसका क्रॉसपोंडिंग एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है, क्लियर है। तो क्या होगा, देखो जरा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो नाम दे देता हूँ 1, 2, 3, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल भी आपस में इक्वल होने के कारण क्या हो रहा है, ठीक है, देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गया, तो इक्वल के इधर में, इक्वल के इधर में देखना है और पैरेलल लाइन के ऊपर 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 देखना है, तो एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री, क्लियर है, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल से हो गया। अब इधर में भी आपको इमेजिन से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, राइट। तो देखो एफ को मैं क्या करता हूँ, यहाँ एफ लिख लिया और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, इस लाइन को, इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, तो आप भी देखो इधर भी आपको क्या दिखेगा कि एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसा कुछ दिख रहा है, और ये सभी तीनों के तीनों लाइन डीसी, ईएफ और एबी, ये तीनों के तीनों पैरेलल तो हैं ही, क्लियर है। अब देखो फिर से क्या होगा, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है इधर का, क्लियर है, तो ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे फिर नाम दे देता हूँ 4, 5, 6, क्लियर है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, तो ये किससे हो गया, क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल जब इक्वल हो जाता है तो हमारा ये क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, सभी लाइन आपस में क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। एक तो एक्सप्लेनेशन ये दे सकते हो, और दूसरा एक्सप्लेनेशन ये दे सकते हो कि जब लाइन, आप लाइन दिया हुआ है किसी गिवन लाइन के पैरेलल अगर बता रहा है तो तीनों लाइन आपस में क्या होते हैं, पैरेलल है। तो इसके दो कारण मैंने बता दिए कि आखिर क्यों ये तीनों आपस में, आखिर ये ईएफ पैरेलल डीसी क्यों है, ये मैंने कारण साफ साफ यहाँ पे रख दिए, क्लियर है, ठीक। तो पहला कारण तो ये हो गया कि ये तीनों आपस में पैरेलल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था ए बी पैरेलल डीसी, ये ए बी पैरेलल है डीसी, इसके दिया था पैरेलल, क्लियर, और क्या दिया हुआ था, ईएफ पैरेलल ए बी, ईएफ पैरेलल है किसके, ए बी के। तो जब यही तो कॉन्सेप्ट में था ना कि जब पैरेलल लाइन, जब दिए, जब दो दो पैरेलल लाइन किसी दिए हुए पैरेलल लाइन के, है ना, दो लाइन किसी दिए हुए पैरेलल लाइन के पैरेलल होता है तो वो क्या होता है आपका, आपस में तीनों मतलब इच अदर पैरेलल होते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट था, तो उससे ये हो गया। अब बोल दूसरा प्रॉब्लम ये कह रहा है, दूसरा प्रैक्टिस का दूसरा क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ट्रेपीजियम आर देयर इन दिस फिगर, ये जो पिक्चर है इसमें कितने ट्रेपीजियम है, तो देखो ध्यान से,
एक ट्रिजियम ट्रेपिजियम तो एक बड़ा वाला है, ए बी सी डी। एक तो नाम, नेम देम, उसका नाम देना है, क्लियर है। तो पहला क्या होगा, ए बी सी डी, क्लियर है। तो एक ट्रेपिजियम ये रहा, क्लियर है, ओके। दूसरा नाम क्या आएगा, दूसरा नाम क्या आएगा, देखो जरा, डी ई एफ सी, देखो ये छोटा वाला डी ई एफ सी, क्लियर है। तो ऐसे लिखो डी ई एफ सी, और कौन आएगा यहाँ से, ई ए बी एफ, क्या, ई ए बी एफ। तो तीन ट्रेपिजियम यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सभी के सभी क्या है, ट्रेपिजियम, क्लियर है, बातें समझ में आ गई। तो ये था आपका प्रैक्टिस टू, जो कि मतलब जो कंसेप्ट है उस पर बेस्ट प्रॉब्लम है, क्लियर है। तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसको क्या करना, अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करना, राइट, स्क्रीनशॉट ले करके, क्योंकि कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। जब आप आगे के कंपटीशन में बैठोगे, कभी आईआईटी जेई के एग्ज़ाम में बैठो, चाहे नीट का या फिर मेडिकल के एग्ज़ाम में, तो ये सब कंसेप्ट, आपके मैथमेटिक्स के कंसेप्ट मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, है ना। ऐसे तो पास कर ही जाओगे, लेकिन जब बारी आएगी किसी कंपटीशन को फाइट करने की, तो फिर वहाँ पे क्या, कुछ नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कंसेप्ट को समझना, क्लियर है। तो ये था आपका आज का क्लास, ठीक है। तो आई होप कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।